और सिर्फ आपके लिए ये टूलेट्स मैं दोनों की दोनों लैक्मे की चीज लेके आई हूँ। अभी बहुत 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 गर्मी चालू हो गई है, आप सब इतनी ज्यादा गर्मी होती है, सच में तो बहुत ज्यादा जल रही, घर आके मैं ज्यादा स्किन जल रही होती है तो फिर हमारे स्किन की क्या हालत होती होगी, आप लोग सोचो, बस सोचते ही रह जाओगे। आने के बाद आपको 15 मिनट तक इसको अच्छे से सूखने देना है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय अंबे, जय श्री कृष्ण, वेलकम और वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, आपको दिख ही रही हूँ, मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, मैं आपके साथ दो चीज़ों का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और एकदम जेन्युइनली, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। मैं दोनों की दोनों लैक्मे की चीज़ लेके आई हूँ। एक है लैक्मे का डी टैन स्क्रब और दूसरी है सनस्क्रीन, दोनों का बहुत ही अच्छे से रिव्यू देने वाली हूँ। अभी बहुत 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 गर्मी चालू हो गई है, आप सबको पता ही है, और मैं तो अहमदाबाद से हूँ तो आप सबको पता है अहमदाबाद में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। सच में बाहर निकलते हो ना तो ऐसा लगता है कि हमारी स्किन जल रही है। मेरे को तो पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि मेरे साथ हर बार मैं जब भी दोपहर में बाहर निकलती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा जल रही है। घर आके मैं देखती हूँ कि मेरी स्किन पे, फेस पे कुछ हुआ है क्या, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, बस गर्मी की वजह से ही जलती है। और इतनी ज़्यादा स्किन जल रही होती है तो फिर हमारे स्किन की क्या हालत होती होगी, आप लोग सोचो, बस सोचते ही रह जाओगे। इसलिए मैं गर्मी के लिए यूज़ करती हूँ लैक्मे की D10 स्क्रब है। इसको D10 स्क्रब बोलते हैं, जैसे हम पार्लर में जाते हैं ना D10 वगैरह करवाने के लिए, तो वो लोग 100, 200, 200, 300, 400 जिस टाइप का D10 है इस टाइप के पैसे ले लेते, पर आप घर पे ही अपने तरीके से ऐसे D10 करके वीक में एक बार करके, मैं तो अभी गर्मी की वजह से दो तीन दिन में कर ही देती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता नहीं है। बस इसको क्या करना है, इसमें एक स्क्रब आता है, इसके ऊपर लिखा हुआ ही आता है कि सन एक्सपर्ट है। मैं इसका अच्छे से एक फ़ोटो लेके आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्या है प्रॉपर आपको सब चीज़। और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और कोई भी शॉप से भी आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप जो ये सब प्रोडक्ट सब खरीदते हो ना, वहाँ सभी जगह से मिल जाएगा। तो लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो मेरे को अभी हेयर वॉश नहीं करना है, इसलिए मैं मेरे हेयर को ऊपर से ऐसे टाई कर देती हूँ। वैसे ही मेरा फेवरेट वाला है, आप लोगों को कैसा लगता है? ऐसा लगता है छोटी बच्ची वाला है, मेरे को ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये D10 स्क्रब, सबसे पहले अपने फेस को अच्छे मतलब नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। मैं वॉश करके ही बैठी हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना होए, मैं ऐसे वॉश करने का दिखा हूँ ऐसा कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं वॉश करने का नहीं दिखा रही हूँ, मैं ऑलरेडी वॉश करके आई हूँ। तो इस D10 स्क्रब को निकालना है हमारे हैंड में। कीमत है 155 रुपीज़, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो आप लोग इसको खरीद सकते हो। वो वैसे तो वन मंथ, मैं 2-3 दिन में इसको यूज़ करती हूँ, अभी गर्मी की वजह से तो मेरे को 1 मंथ तो चलता ही है, और इससे ज़्यादा भी चल सकता है, आप एक वीक में एक बार भी यूज़ कर सकते हो तो 2-3 मंथ तक चलेगा। तो इसकी कीमत वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग खरीद सकते हो और आपकी स्किन की केयर कर सकते हो। मैंने मेरे हैंड में निकाल लिया है, अब इसको पतले पतले लेयर में ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसको लगाने के बाद आपको 15 मिनट तक इसको अच्छे से सूखने देना है, और ये अच्छे से सूख जाए इसके बाद आपको वो क्या बोलते, पानी वाला स्प्रे आता है ना, इससे आप स्प्रे भी कर सकते हो, और स्प्रे नहीं करना चाहे मतलब आपके पास ऐसा पानी वाला कोई भी स्प्रे नहीं है, तो आपको पानी के ऐसे छींटे भी मार सकते हो ताकि ये थोड़ा सा गीला हो जाए। और ये जब गीला हो जाए, इसके बाद हमें करना है इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसाज। तो वो सब भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, ये मेरा सूख जाए इसके बाद में, मिलते हैं सूखने के बाद। मैंने
अभी 8 मिनट तक मसाज कर ली, अभी मैं वॉश करने जा रही हूँ, वॉश करने के बाद मिलते हैं। फेस वॉश करके आ चुकी हूँ और अभी हम इसको ऐसे प्रेस करते हुए पोंछ लेंगे। देखो मेरी स्किन में आपको कितना डिफरेंट नज़र आएगा। सच में आप एक बार लगाओगे ना फिर भी आपको पता चलेगा कि हाँ इससे हमारी टैनिंग रिमूव ज़रूर होती है। और सच मैं पर्सनली बोलती हूँ मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। वैसे ये मेरा दूसरी बार का है, एक बार तो जब से समर स्टार्ट हुआ तब से एक लेके आई थी और एक ख़त्म हो गया और अभी दूसरा चल रहा है। इसके लिए मेरे को लगा कि हाँ मेरे को इतना अच्छा लगा है तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और आप लोगों को भी ऐसा लगे कि हाँ हम भी ऐसी टैनिंग रिमूव कर सकते हो। अभी मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन। गर्मी में सनस्क्रीन लगाना खूब 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 ज़रूरी है। सनस्क्रीन आप स्क्रब मत करना, पर सनस्क्रीन एक भी दिन स्किप मत करना। सुबह उठते ही नहाने के साथ सनस्क्रीन लगा ही देने का, आप बाहर जा रहे हो या नहीं जा रहे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है घर में भी धूप तो आती ही होती है और ऐसा भी नहीं होता है कि हम कहीं पे भी बाहर नहीं जाते होंगे। कुछ ना कुछ काम के लिए हमको बाहर तो जाना ही पड़ता है, इसीलिए मैं तो हर रोज़ सुबह नहाने के साथ ही सनस्क्रीन लगा ही देती हूँ ताकि मेरे को पूरे दिन प्रोटेक्शन मिल जाए। देखो और ये सनस्क्रीन, सच में सनस्क्रीन इतनी अच्छी है ना, आप सनस्क्रीन लगाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा, देखो ऐसा कुछ चिपचिपापन भी नहीं लगेगा, एक आध सेकंड के लिए लगेगा फिर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये सनस्क्रीन इतनी अच्छी है कि सनस्क्रीन लगाओगे और आप ऐसे लिपगड़ वगैरह करके बाहर चले जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही अच्छा सा मेकअप करके कुछ बहुत ही अच्छी सी प्रोडक्ट लगा के आ गए हो। तो प्लीज़ आप लोगों को ये दोनों प्रोडक्ट यूज़ करनी है, गर्मी के लिए आपको बहुत ही अच्छा है। और हाँ लेके आना और आप लोगों को कैसा लगे वो सब कमेंट करना है, हम लोग कमेंट में खूब सारी बातें करेंगे। ठीक है पक्का कमेंट ज़रूर से कर देना, वीडियो देखा कि नहीं वो भी कमेंट कर दो। और हाँ वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर ज़रूर शेयर करना। बाय गाइस, फिर मिलते हैं कुछ अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, आपका प्यार बनाए रखना आपकी।